प्रोलैक्टिन जो कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. प्रोलैक्टिन अगर डिस्टर्ब रहते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होता है, PCOS के सिम्टम्स, मूड स्विंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी तक भी देखी जाती है. सो प्रोलैक्टिन्स को आप क्या करें, वैसे ओवरनाइट तो वो नहीं आप कंट्रोल कर सकते, बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स कर रहे हैं, चेस्ट स्टिमुलेशन ज़्यादा है, वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. टाइट कपड़े आप ना पहने, और अगर आप बियर अल्कोहल का इंटेक करते हैं वो ना करें. अपने डाइट में B6 विटामिन के सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करें, वैसे स्पिनेच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और एक आप स्मूदी बना सकते हैं. ये स्मूदी प्रोलैक्टिन को बहुत हद तक कम कर देती है, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम का अमाउंट बहुत अच्छा है और B6 का अमाउंट बहुत अच्छा है. वही ग्रीन स्मूदी आपको कोरिएंडर, मोरिंगा, केल के पत्ते अगर आपके पास हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल पुदीना, धनिया और खीरा, पालक के पत्ते डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए. इसमें आपको भरपूर B6 मिलेगा. B6 के साथ आपको डालना है जिंक, जैसे कि आपके पास सारे जो सीड्स होते हैं, जितने भी सीड्स हैं आपके पास, फ्लेक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, इन सबको आप इसमें मिक्स कीजिए, एक स्मूदी बनाइए. लेकिन सीड्स को आपको पहले ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा. सो ये स्मूदी बनाकर बस आपको ये रोज़ पीनी है. आप अपने डाइट में बनाना का इंटेक ज़रूर रखें, पटेटो से डरे नहीं. जितना बनाना, पटेटो, मैग्नीशियम आपके डाइट में रहेगा, उतने ज़्यादा आप प्रोलैक्टिन्स को कम कर पाएंगे. स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है, और अल्कोहल को बाय-बाय बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्रोलैक्टिन्स डेफिनेटली आप कम कर सकते हैं विद द कम्प्लीट लाइफस्टाइल चेंज एंड विद योर हैप्पीनेस. टेक केयर.